दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड नाइके ने भी दिया हिजाब को समर्थन, तो कई बड़े पत्रकारों ने दिया रिएक्शंस। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इस पर रिएक्शंस का दौर जारी है। तो वही जाने माने पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने एक हिजाब पहने महिला का फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दुनिया के बड़े नामचीन ब्रांड में से एक नाइकी का ये स्टैंड है, जबकि इस ब्रांड को पता है कि इस कॉम से स्पोर्ट्स में गिने चुने लोग हैं और इसे कोई बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ खड़ा होना ही आपके ताकतवर और बड़ा होने की निशानी है, शुक्रिया। तो वही इस पर जाने माने पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी इस फोटो पर एक हार्ट की इमोजी शेयर की है। नाइकी ब्रांड का हिजाब पहने इस मुस्लिम एथलीट का पोस्ट किया गया ये फोटो 2019 का है, जो इस वक्त हिजाब विवाद पर दोबारा से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नाइके ब्रांड ने मुस्लिम महिला एथलीटों के लिए एक ऐसा हिजाब बनाया है जिसमें उन्हें अपने इस्लाम धर्म के मुताबिक सिर ढककर खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही उन्हें अपने प्रदर्शन में किसी तरह का समझौता भी नहीं करना होगा। नाइके द्वारा प्रो हिजाब ब्रांड के अंतर्गत सिर पर ढकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें इस्लाम को मानने वाली एथलीट अपना सिर ढककर आराम से टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगी। आपको बता दें कि नाइके ने अपने एक बयान में कहा था कि अब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं खेलों को अपना रही हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए प्रो हिजाब बनाने का फैसला किया गया। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिजाब पहनकर भाग लेने वाली एथलीट जिसमें मुक्केबाज अरीफा बसीसो, तलवारबाज इब्तिहाज मोहम्मद और ट्राई एथलीट नाजला अल जराई भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दानिश स्पोर्ट वेयर कंपनी हुमेल ने अफगानिस्तानी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के लिए एक ऐसी जर्सी बनाई गई थी जिसमें हिजाब उसके साथ जुड़ा हुआ था। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।